पिछले मॉड्यूल्स में हम ये बात कर चुके हैं कि रूह जिस्म और माइंड ये तीनों चीज़ें इंसान के वजूद का एक हिस्सा होती हैं और वेलबींग well भी इसी तरह तीन तरह की होती है स्पिरिचुअल एंड मॉरल वेलबींग फिजिकल वेलबींग एंड इमोशनल एंड मैंटल वेलबींग जब हमने डिफरेंट कल्चर्स में काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है साइकोथेरेपी की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश की है और क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं तो मैं सबसे पहला जो आपसे प्रॉब्लम शेयर करूंगी वो ये कि व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एज अ जूनियर साइकोलॉजिस्ट विद अ वेरी सीनियर कॉम्पिटेंट थेरेपिस्ट जो कि ओरिजिनल उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो यू से थी और वो अपने काम में बहुत माहिर थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि, कि वो खुद सेकुलर थे सो दे वॉज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑल दो ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही वॉज रेज इन पाकिस्तान लेकिन वो बिल्कुल अप बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल अलग रखते थे फ्राम दिचुअल साइड फ्राम द रिलीज साइड फ्राम द सॉरी देंटल हेल्थ जो वो स्किल uh, उनका था थेरेपी का जो सेशन है उसमें जो वो पूछ रहे हैं उसमें वो जो इलाज को लेकर चल रहे हैं वो जिस तरह उसके कॉन्सेप्ट को बात करके समझ के और फिर उसको एड्रेस कर रहे हैं उसकी मैंटल हेल्थ की स्टेट को उसमें वो बिलीफ को और रिलीजन को बिल्कुल एक तरफ रख अच्छा अब ये प्रॉब्लम क्यों है प्रॉब्लम इसलिए है कि एक क्लाइंट जो है उसको आप मुकम्मल इंसान के तौर पे लेते हैं वो स्परिचुअली अनहैप्पी है और जो थेरेपिस्ट हैं उसका हल या उसका जो प्रॉब्लम है या उसका जो रूट कॉज है वो तलाश कर रही हैं उसके माइंड में जबकि मसला उसका रूहानी है एंड इन दैट केस समाइम्स द डायग्नोजिस द अंडरस्टैंडिंग एंड इवन द थेरेपी ऑल इज यूजलेस एंड इट गोज वे ऑफ द मार्क जो कुछ होने की जरूरत होती है तो एक तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई दूसरा ये कि आप उसके साथ करेंगे क्या दो आप बताएंगे नहीं क्योंकि आप कहते हैं कि मैं वेस्टर्न साइकोथेरापिस्ट था, था, हूँ तो मैंने तो ट्रेनिंग ही वहाँ ली है बड़े अच्छी उसमें एक मिसाल है हमारे यहाँ एक और साइकोथेरेपिस्ट हैं जो कि युंगियन पर्स्पेक्टिव में बाहर से करके आई हैं वो हमेशा सदका एडवाइस करती हैं और मैंने पहली दफ़ा जब ये सुना और मैंने उनको किसी और पाकिस्तानी साइकोथेरेपिस्ट से कंपेयर किया उनकी खास टेक्निक है वो ये कहती हैं कि जो कुछ लिया उतना ही वापस डालो तुम्हें मिला है तुम वापस डालो उसका मतलब जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये करने से आप एक लेवल के ऊपर हील करना और ठीक होना और तकलीफ से निकलना शुरू करते थे और देने और लेने से मुराद क्या है आपको अगर दौलत मिली हुई है तो वो कई दफ़ा फीस नहीं लेती थी वो कहती थी आज अपनी बीमारी के लिए आपने यहाँ से निकल के इस तरह सदका करना है कि किसी को बताना चले तो अगर आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा तो आप गाड़ी की शीशा नीचे करें और उसमें से ये पाँच सौ का या पाँच हज़ार का जो भी आपने या पाँच रुपए का आप उसको उड़ा दें वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाएगा अच्छा अब ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इस चीज़ का कि ये किस लेवल पे हेल्प कर रहा है जो दूसरे थेरेपिस्ट हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है लेकिन मुझे उनमें हमेशा एक प्यास महसूस हुई जब भी मैंने उनके साथ सेशन किया या उनके साथ लोगों को करते देखा कि एक हद के बाद आके बात रुक जाती है क्योंकि आप इंसान के हर लेवल के ऊपर ना इंसान को समझ रहे हैं और ना ही उसके मसले का हल इस छोटे थेरेपी रूम से निकल के सोच रहे हैं तो एक तो सदका हो गया दूसरी बात ये कि वो अक्सर दुआ की खास हदायत करती थी कि अपने लिए ख़ास प्लान टाइम में आपने डेडिकेटेड दुआ करनी है और उसके अल्फाज होते हैं पहली बात ये कि ये जो मेरे ऊपर आई है उसमें मुझे साबित क़दम रखा जाए दुआ दूसरा ये कि मुझे रहनमाई की जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए जो मेरे पे गुजर रही है और तीसरा ये कि जो भी हल मैं निकालूं या ढूंढूं उसमें अपनी मदद मेरे शामले हाल कर दें सो ऑल द इयर्स दैट पीपल हैव बीन कमिंग टू मी विद देयर साइकोलॉजिकल ट्रबल्स और विद देयर बेफलमेंट और विद देयर डिस्ट्रेस विद ऑल द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दैट आई आई नो यू आई कैन जस्ट सेंस कि ये हुआ है ये हुआ होगा ये इस वजह से हो रहा है आई डू समस्क देम टू से प्रेयर फॉर देम सेल्व विद वेरी क्लियर वर्ड्स वही तीन जो मैंने बताए हैं मुझे इसमें सबित क़दम रखें मुझे इसमें समझ लें कि क्या करना है और फिर मैं जो करूँ उसमें अपनी मदद शामिल हाल कर दें आई फाउंड दैट इट गिवस साइकोलॉजिकल कम्फर्ट आई एव फाउंडिव Something to hold on to, but there is more to it, and that is that you are opening the door for the help that is not co only coming from the therapist or from your own mind, it's coming from another source, which is the source from where we all come and where we are all going to go. So, keeping that mental health may recognize. कि जहाँ जहाँ जो कोई फेथ की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है इट्स ट्रमेंडसली यूज़फुल फॉर मेंटल हेल्थ मसलन जिक्र ही है मेडिटेशन है नेचर की थेरेपी है खामोश मराकबा है ये सब के सब जिन जिन कल्चर्स में ये चीज़ें मौजूद हैं वो इसको स्पिरिचुअली हीलिंग प्रैक्टिस कहते हैं और इसको वो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ में अब इस्तेमाल किया जाता है सो दिस सेंसिटिविटी Is useful for a competent uh, counselor to have what other aid they can take.